हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज हम आपके लिए हैं एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो जो दो शॉटगन माइक्स के बीच में है, बोया MM1 एंड मिरफैक N2 माइक। दोनों ही ये कार्ड्रॉइड माइक्रोफोन्स हैं जो ऑन कैमरा लग जाते हैं या ऑन मोबाइल फ़ोन, और इसके अंदर जो साउंड की क्वालिटी है वो डायरेक्शनल होती है। तो इसमें आप जैसे कॉलर माइक होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, ये आपका डायरेक्शनल माइक होते हैं। और दोनों में ही जो सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों बैटरी के बिना चलते हैं, और दोनों में आपकी वो मोबाइल केबल भी होती है और कैमरा केबल भी होती है। जो नॉर्मली रोड का जो माइक आता है इनका, जिससे ये दोनों इंस्पायर्ड हैं, रोड माइक्रोस में सिर्फ कैमरा की केबल आती है और उसका प्राइस भी इनसे ज़्यादा होता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन एक बार मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो दोनों की सिमिलर स्पेसिफिकेशन हैं। एक तो साउंड कार्ड्रॉइड पोलर पैटर्न है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 35 से 18,000 kHz तक है। सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी सेम है, और कंपैटिबल दोनों हैं अपना स्मार्टफोन से, टैबलेट से, DSLR कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, और मेटल बॉडी है, और दोनों में बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड दोनों में ही आती है, इसमें बनी नहीं हुई लेकिन इसमें से भी निकलेगी। तो टेक्निकल्स तो आपने देख लिए, अब आपको इन यूज़ दिखाता हूँ मैं कि किसकी साउंड कैसी है। अब तो मैं अपने फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर प्लेस कर लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट, जिससे आइडिया लग जाएगा आपको कि किसकी साउंड बेटर है। फिर एंड में इनकी प्राइसिंग की बात कर लेंगे, और कंटेंट्स अगर आपको देखने तो मैं कंटेंट्स एक बार दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। कंटेंट्स हैं इसके अंदर जो N2 के अंदर, ये आपका विंड मफ है, ये इसका लगाने का जो हॉट शू माउंट, इसमें माइक लग जाएगा। ये केबल्स हैं दोनों, एक फ़ोन की एक उसकी कैमरा की, ऐसे ये स्लॉट आपका फिट हो जाता है इसके अंदर। स्ट्रेचेबल रबड़ है तो ये फिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली लुक आती है आपके माइक की। ये अब इसमें फ़ोन की केबल लग जाएगी, ये वाली आपकी लग गई फ़ोन की केबल, माइक्रोफोन में एक जैक जाएगा दूसरा फ़ोन में, ये हो गया रेडी। मफ़ लगा लेते हैं इस पर, क्योंकि मफ़ से आपकी फ़ैन नॉइज़ हट जाएगी। ये लग गया मफ़, ये माइक रेडी। ऐसे मैं आपको दूसरे के भी कंटेंट्स दिखा देता हूँ बोया के, बोया MM1 ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं कंटेंट्स में भी, और अब परफॉर्मेंस देखनी है हमने बस। ये इसका आपका वो हो गया माइक, ऑलरेडी इस पर मफ लगा हुआ है, इसके अंदर केबल्स आ जाएंगी। और इसका जो हॉट शू है थोड़ा सा अलग है, हॉट शू मैं आपको दिखा देता हूँ, रेड कलर का हॉट शू है जिस पे लग जाएगा। और ये शॉक रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसमें नॉर्मली जैसे इसका रबड़ाइज है, इसका प्लास्टिक का है, कॉन्सेप्ट इसका भी यही है कि जब हिले तो माइक की आवाज़ बेसिकली, क्योंकि मेटल के माइक्स हैं तो इसमें साउंड की नॉइज़ आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो, तो इसलिए इस टाइप के इन्होंने बनाए हैं। ये भी इस पर ऐसे अटैच हो जाएगा प्लास्टिक, अब रेडी टू यूज़ है दोनों। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी, ये लुक है, ऑलमोस्ट साइज़ भी सिमिलर है, थोड़ा सा मिरफैक का लंबा है माइक ज़रूर। तो देखते हैं उससे साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी ये विदाउट माइक रिकॉर्डिंग हो रही है, डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 फीट है, तो आप देख सकते हैं कि क्या साउंड आ रही है विदाउट माइक्रोफोन। और मैं दूर चले जाता हूँ थोड़ा सा, ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया इतना, तो ये आपका 4-5 फीट की रेंज में है विदाउट माइक्रोफोन। अब मैं शॉटगन से टेस्ट करता हूँ, पहले मैं माउंट कर रहा हूँ मिरफैक का N2। अभी मैंने मिरफैक का N2 माउंट कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली मैं फिर से वही 3 या 4 फीट के डिस्टेंस पे हूँ। अब थोड़ा और दूर जाके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। मैक्सिमम हमारा ही हो गया 6 फीट के आसपास, तो 6 फीट में आप देख सकते हैं कि क्या नॉइज़ आ रही है और क्या नहीं आ रही। तो ये है माइक टेस्टिंग मिरफैक N2 माइक की। इसके बाद मैं बोया का लगा देता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन हो जाएगा। अभी हम इंडोर में हैं, इंडोर में ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेप्थ ऑफ साउंड तो पता चली जाएगी। अब मैं दूसरा माइक लगाता हूँ जी। अब मैंने आपका बोया MM1 माउंट कर दिया, तो अभी 2-3 फीट का डिस्टेंस है, अब देख लेते हैं इससे कैसे साउंड आ रही है हमारी। थोड़ा सा और पीछे चले जाता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अब मैं
6 फीट के आसपास दूर आ गया हूँ माइक से, तो आप देख सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही होगी। तो ये कंपैरिजन है बोया MM1 और N2 का, और अभी इस टाइम पे MM1 चल रहा है जो कि एक कार्ड्रॉइड माइक है डायरेक्शनल, और इस पे विंड मफ हमने लगा रखा है। अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें कोई हम कंट्रोल नहीं कर सकते सेटिंग्स में, गेन कंट्रोल वगैरह या लेवल्स को नहीं हम छेड़ सकते, लेकिन कैमरे में जब आप यूज़ करेंगे तो आपका लेवल्स कंट्रोल का भी ऑप्शन है, तो उससे और एनहांस हो सकती है साउंड। अगर ये ओवर आ रही होगी तो उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड नॉइज़ है नहीं, तो बैकग्राउंड नॉइज़ जब आएगी तो उसमें लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन MM1 एंड N2 माइक। अभी लास्ट चीज़ रह गई इनकी प्राइजिंग, जो बोया की प्राइजिंग है, बोया की करंट प्राइजिंग है 1200 और N2 की प्राइजिंग है 1800। एक्स्ट्रा प्राइस में हमें N2 में 1 ईयर वारंटी मिलती है, जो बोया में फ़िलहाल अभी वारंटी नहीं मिल रही, पहले मिलती थी लेकिन अब फ़िलहाल कोई वारंटी नहीं है। और MM1 जो है वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से मार्केट में आ रहा है, तो रिव्यूज़ इसके भी पॉजिटिव ही हैं। तो अब आपने साउंड सुन ली होगी तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। दोनों ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप विज़िट करें हमारे स्टोर पर तो आप चेक करके भी ले सकते हैं। हमारा स्टोर का नाम है गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बाय।